आदाब साथियों, मैं जाकिर अली त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत में जो है हिंदी दिवस है, और उसी मौके पर मुझे बहुत ही मशहूर शायर मनोहर राणा का एक शेर याद आता है, जो यूं होता है कि लिपट जाता हूं माँ से तो मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूं तो हिंदी मुस्कुराती है। और उसी को लेकर आज हिंदुस्तान में हिंदी दिवस जो है बखूबी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा था। लेकिन उसी बीच ऐसा क्या हुआ कि अरशदुद्दीन ओवैसी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच में जो है ट्वीट के माध्यम से जो है टकराव हो जाता है, और टकराव इस कदर बढ़ जाता है कि एक अंग्रेजी चैनल CNN न्यूज़ 18 को अरशदुद्दीन ओवैसी की लताड़ के बाद अपना ट्वीट व विजुअल जो है डिलीट करना पड़ जाता है। तो आपको पता होगा कि अमित शाह ने आज सुबह सवेरे हिंदी दिवस के मौके पर एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था एक राष्ट्र तो एक ही भाषा जो है हिंदुस्तान में होनी जो है बहुत ज़रूरी है, और यही जो है देश की पहचान विदेशों में बन सकती है। उसी बात को लेकर स्टोरी बन गई, न्यूज़ चैनलों पर खबरें आ गई, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से खबरें चलने लगी। अरशदुद्दीन ओवैसी की जैसे ही अमित शाह के ट्वीट और खबरों पर नज़र पड़ती हैं तो अरशदुद्दीन ओवैसी उनको जो है लताड़ लगाने में, क्योंकि आप जानते होंगे कि अरशदुद्दीन ओवैसी वो शख्स हैं कि जिनका नाम इस देश के इतिहास में, वो भी सुनहरे अक्षरों में, उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जाएगा जिन लोगों ने इस देश के संविधान को बचाने में लड़ाई लड़ी है, वह अपनी कुर्बानियां दी हैं। अरशदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया के रहे हैं कि जिन्होंने आज तक भी असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही अपनी उन्होंने कोई गलत बयानबाजी जो है आज तक की है। संविधान के दायरे में रहकर ही हमेशा बात की है। आइए ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ऐसा अमित शाह ने क्या कहा कि जिसके बाद अरशदुद्दीन ओवैसी को ट्वीट करके जो है CNN न्यूज़ 18 को लताड़ लगानी पड़ी, और न्यूज़ 18 को अरशदुद्दीन ओवैसी से डर कर जो है अपना ट्वीट जो है डिलीट करना पड़ा। तो देखिए अमित शाह ने क्या कहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है, परंतु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है जो पूरी दुनिया में भारत की पहचान बने। आज देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वो सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा ही है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन अभी तक उनमें से सिर्फ दो ही आधिकारिक भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं जो है चल रही हैं उनमें से अभी भी किसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है नहीं मिला है, सिर्फ आधिकारिक रूप का जो दर्जा मिला हुआ है वो अंग्रेजी और हिंदी को ही मिला हुआ है। और अमित शाह का सीधा सीधा कहने का मकसद ये था कि सिर्फ हिंदी बोली जाए, उर्दू ना बोली जाए, अंग्रेजी ना बोली जाए। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यह भी होता है, ये भी होना ज़रूरी भी है कि सत्ता में आप लोग हैं, एक आम आदमी से आप जो है ट्वीट के माध्यम से उस तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि हिंदी भाषा का जो है राष्ट्रीयकरण होना ज़रूरी है, तो आम आदमी के बस में नहीं है कि वो इस भाषा को बदल सके। आप सत्ता में हैं तो आप क्यों नहीं बदलते हैं? और फिर जितने भी आपके अंग्रेजी में चैनल चल रहे हैं उनको जो है आप बंद कीजिए। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह इस बार भी जो अपने एक फरमान जारी करते हुए कहा था कि अब चीफ मिनिस्टर ऑफिस के से जितनी भी प्रेस रिलीज जारी होंगी वो सभी संस्कृत भाषा में होंगी। तो अमित शाह जी से मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि आपके मुख्यमंत्री तो दूसरी भाषाओं को इस्तेमाल करने की बात कहते हैं और आप अंग्रेजियों में जो है काफ़ी चैनल चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हिंदी को जो है राष्ट्रीयकरण जो है नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अमित शाह ने जो ट्वीट किया था उसको CNN न्यूज़ 18 ने विजुअल के रूप में स्टोरी बनाते हुए लिखा था, जिसमें लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, देखिएगा। अंग्रेजी चैनल न्यूज़ 18 ने अमित शाह के ट्वीट को स्टोरी करते हुए लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए वन नेशन वन लैंग्वेज। ट्वीट में देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि हमें अपनी मातृभाषा हिंदी का उपयोग बढ़ाना चाहिए, हिंदी हर भारतीय की मातृभाषा नहीं है। अरशदुद्दीन ओवैसी इसके बाद ट्वीट करते हैं और CNN न्यूज़ 18 के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि हिंदी हर भारतीय की मातृभाषा नहीं है,
क्या आप कई मातृभाषाओं की विविधता और सुंदरता की सराहना करने की कोशिश कर सकते हैं जो इस भूमि को डोट करते हुए अनुच्छेद 29 प्रत्येक भारतीय को एक अलग भाषा लिपि और संस्कृति का अधिकार देता है। भारत का हिंदू हिंदुत्व से बड़ा है। यानी अशदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस ट्वीट में कहा था कि भारत की हिंदी यानी जो बोले जाने वाली हमारी भाषा है वह लैंग्वेज हिंदू और हिंदुत्व से काफ़ी बड़ी है, तो उसको जो है हिंदुत्व का एक लिबास ना पहनाया जाए। तो उसके बाद जब अशदुद्दीन ओवैसी ने फिर CNN न्यूज़ 18 के ट्वीट पर जो है नज़र डाली तो देखा कि CNN न्यूज़ 18 अशदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को पढ़कर अपना ट्वीट जो है हटा चुका था। अब या तो आप ये कह सकते हैं कि यह ट्वीट अशदुद्दीन ओवैसी के लताड़ लगाने के बाद CNN न्यूज़ 18 अंग्रेजी चैनल ने अपने ट्विटर हैंडल से जो है डिलीट किया, या आप ये कह सकते हैं कि HMO से जो है उस पर दबाव आ गया था कि ट्वीट को डिलीट कर दिया जाए। अशदुद्दीन ओवैसी ने CNN न्यूज़ 18 को कहा कि हाय CNN न्यूज़ 18, आपने यह ट्वीट क्यों हटा लिया जिसमें अमित शाह ने अपने जो है इस हिंदी को जो है मातृभाषा का जो है दर्जा देने की बात कही थी। आपको मालूम होगा कि आप भी एक अंग्रेजी चैनल है, यानी ओवैसी का कहने का मकसद यह था कि अगर हिंदी ही जो है राष्ट्रभाषा जो है करार दे दी जाएगी तो आप जैसे अंग्रेजी न्यूज़ चैनलों का क्या होगा। तो दोस्तों अशदुद्दीन ओवैसी की लताड़ के बाद एक इतने बड़े अंग्रेजी चैनल ने अपना ट्वीट हटा लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर जो है लाइक करें और कमेंट करके बताना ना भूलें ताकि हम आगे भी आपके सामने इसी तरह के तथ्य के साथ वीडियोज़ लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।